नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। कासगंज जिले में बिजली विभाग का एक हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया। दरअसल बिजली विभाग ने एक ऐसे व्यक्ति पर बिजली चोरी की FIR दर्ज कर दी है जिसकी मौत लगभग 1.5 साल पहले हो चुकी है। बिजली विभाग ने उसके कमरे से 6 LED बल्ब, 5 PD रोशनी वाले बल्ब, 6 पंखे, 1 फ्रीजर, 1 कूलर, 2 सबमर्सिबल को दर्शाया, जबकि उनके घर में ये सब नहीं है। वह इस मामले पर बिजली विभाग ग्रामीण के एक्साइन अजय कुमार ने कहा कि निरीक्षण के दौरान उनके अवर अभियंता अब्दुल्ला को ग्रामीणों ने बिजली कनेक्शन वीरपाल पुत्र नरोत्तम दास के नाम पर बताया था। इसके बाद ये कार्रवाई की गई। ये मामला पिताजी हमारे 1.5 साल पहले खत्म हो चुके हैं और लाइट हम लोग घर पे रहते नहीं है, लाइट चलाते नहीं है हम। भाई खत्म हुआ था पिछले महीने 8 तारीख को, तो डेड बॉडी थी बाहर, बाहर से डेड बॉडी शाम को आ नहीं पाई है। रात को लोग यहाँ रिश्तेदार वगैरह मोहल्ला के लोग रुके थे, उन्होंने एक बल्ब लगा रखा था, उसी के दूसरे तीसरे दिन आए हैं, छापेमारी की है और वीडियो बना ले गए। श्रावस्ती में बारिश थमने के बाद चारों ओर जल प्रलय दिख रहा है। वहीं पहाड़ों पर हुई जोरदार बारिश से नदी नाले सब उफान पर हैं। राप्त नदी खतरे के निशान से 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। सिरसिया भुजगा मार्ग पर जल प्रवाह के चलते आवागमन ठप है। बहादुरपुर, गुड़पुरवा, मध्यनगर सहित कई गांव में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। उसको लेकर DM ने NDRF और पुलिस को अलर्ट भी किया है। बुलंदशहर के DM चंद्रप्रकाश सिंह और SSP श्लोक कुमार सिंह ने संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर तहसील सियाना में जनसमस्याएं सुनी। DM SSP ने संपूर्ण समाधान दिवस में आए फरियादियों की समस्याओं को सुना और कुछ शिकायतों को मौके पर ही निस्तारण कर दिया। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। वहीं कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रही है। हरदोई में युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया। बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यालय से जनपीर चौराहे तक निकाले गए इस मार्च में कांग्रेस जिला अध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। से आप देख रहे हैं कि देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी ने तमाम वादे किए थे 2014 के पहले, उन्होंने कहा था कि मैं अगर प्रधानमंत्री बनता हूं कि तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। आज उनके जो वादे हैं वो जुमले निकले हैं, उन्होंने रोजगार छीनने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के समय भी लोगों को कहा कि आप चाय की दुकान खोल लीजिए, पंचर की दुकान खोल लीजिए, पकौड़े तल लीजिए, ये रोजगार बताते हैं। वो गरीब आदमी, किसान आदमी अपने बच्चे को पढ़ाता, पेट काट के पढ़ाएगा, क्या वो चाय का और जो है पकौड़े का ठेला लगवाने के लिए उसको पढ़ाएगा? जब अमित शाह का लड़का BCCI का, जो उसके गेंद फेंकने की अकल नहीं, वो BCCI का सेक्रेटरी बन सकता है, तो गरीब आदमी वो टमाटर बेचेगा, पकौड़ा तलेगा? आज अग्निवीर में 4 साल के लिए आप रख रहे हैं और अमित शाह का लड़का भी 6 साल के लिए क्यों उसमें रह सकता, क्यों बन सकता है? बलरामपुर में PM मोदी का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया। भाजपा युवा मोर्चा और अन्य सामाजिक संगठनों ने कई जगहों पर रक्तदान शिविर आयोजित किया। वहीं प्रदेश की सबसे कम उम्र की जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी ने रक्तदान किया। संगठन के अलावा आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर रक्तदान शिविर में हिस्सा लिया। बुलंदशहर के थाना क्षेत्र नगर में 2 व्यापारियों को गाजियाबाद पुलिस अचानक से हिरासत में लेकर रवाना हो गई, जिससे स्थानीय व्यापारी खासा नाराज हैं। व्यापारियों ने गाजियाबाद पुलिस के अवैध तरीके से व्यापारियों को हिरासत में ले जाने पर सामूहिक बाजार बंद कर पुलिस के सामने ही प्रदर्शन किया। व्यापारियों का आरोप है कि गाजियाबाद पुलिस ने बुलंदशहर पुलिस को कोई सूचना नहीं दी थी। लगभग 3-3.5 घंटा पूर्व 4 लोग सिविल वर्दी में और 2 लोग पुलिस की वर्दी में आए और 2 हमारे व्यापारियों को यहाँ से ले गए, दीपक सोभक और नावल्टी मोबाइल वाले अमजद, उनको उठा के ले गए। मैंने तुरंत इंस्पेक्टर कोतवाली को इसकी सूचना दी, उन्हें पता ही नहीं था कि कोई घटना यहाँ घटी है। मैंने कि अगर पुलिस के लोग हों किसी भी तरह के तो आपको सूचना देते सबसे पहले, किसी बाजार में जाने से पहले। बोले हमें कोई सूचना नहीं दी। बुलंदशहर में पंजीकृत मदरसों को लेकर सर्वे किया गया। इसके तहत मदरसा इस्लामिया अरबिया का SDM सदर अरविंद कुमार सिंह ने सर्वे किया। मदरसे के इंतजामिया कमेटी के सदस्यों ने सर्वे टीम से अनेक सवाल करते हुए जवाब मांगे। वहीं जांच में पता चला कि मदरसे में हरियाणा और UP से करीब 85 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं।
सहारनपुर के सिविल कोर्ट में अधिवक्ता एसोसिएशन ने विश्वकर्मा जयंती धूमधाम से साथ मनाई। अध्यक्ष अशोक पुंडीर और महासचिव नितिन शर्मा ने भगवान विश्वकर्मा के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा ने सभी लोगों को एकता के सूत्र में जोड़कर सभी लोगों को आपस में प्रेम से रहने का संदेश दिया था। दिव्यांग प्रकोष्ठ भाजपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन केक काटकर धूमधाम के साथ मनाया। साथ ही दिव्यांग प्रकोष्ठ के संयोजक उदय जैन ने दिव्यांग पेंशन 1000 से 1500 प्रति माह होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार भी व्यक्त किया। बांदा में पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय के दर्जनों छात्रों ने सीटें बढ़ाए जाने को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचकर जमीन पर लेटकर प्रदर्शन किया। साथ ही जिलाधिकारी के माध्यम से बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के कुलपति को संबोधित ज्ञापन भी भेजा है। छात्रों का कहना है कि पहले सत्र में विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मूल सीटें BA में 720, MA में 60 और BSc में 60 के अलावा 2 सेक्शन बढ़ाए गए थे, परंतु इस साल में मूल सीटों में कटौती करते हुए तथा बढ़ाए हुए सेक्शन वापस कर लिए गए हैं, जिससे बहुत से छात्राएं प्रवेश में वंचित हो रहे हैं। BSP सरकार में MLC रहे हाजी इकबाल खनन माफियाओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पुलिस लगातार एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई उन पर कर रही है। जहां पुलिस हाजी इकबाल की अवैध संपत्ति को नष्ट करने के बाद हाजी इकबाल के दोनों बेटों और दो भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। वहीं इसी कड़ी में पुलिस ने हाजी इकबाल के 5 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया, जिनमें से एक कानून गो बीरबल नामक व्यक्ति भी शामिल है, जो कि सरकारी और गरीबों की भूमि को पट्टों में दिखाकर हाजी इकबाल के नाम कर देता था। आपको बता दें कि अभी पूर्व MLC हाजी इकबाल फरार है। हाजी इकबाल के लिए पुलिस की खुफिया टीमें लगातार प्रयासरत हैं। रायबरेली में एक युवक ने तिरंगे का अपमान करते हुए राष्ट्रीय ध्वज को जला दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर युवक को जेल भी भेज दिया है। 17/9/2022 को थाना शिवगढ़ में नरेंद्र नाम के व्यक्ति ने मंदिर के सामने खड़े होकर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा जलाते हुए आपत्तिजनक प्रदर्शन किया गया, जिसको तत्काल मामले को संज्ञान में लेते हुए थाना शिवगढ़ पुलिस टीम द्वारा तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया। थाना शिवगढ़ में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए संबंधित नरेंद्र नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। नियमानुसार न्यायिक अपेक्षा में भेजा जा रहा है। अमेठी के आंगनबाड़ी केंद्र में पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया गया, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे शामिल हुए। साथ ही मुस्लिम महिलाओं ने केक काटकर पीएम मोदी को बधाई दी। इस कार्यक्रम में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष महिला मोर्चा भी शामिल हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर लक्सर नगर पालिका परिषद ने स्वच्छता पखवाड़ा शुरू किया। इस दौरान नगर पालिका परिषद अध्यक्ष अमरीश गर्ग, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी गौहार हयात, लक्सर उप जिलाधिकारी गोपाल राम मेनवाल और नगर पालिका परिषद कर्मचारियों के साथ साथ नगर के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। उप जिलाधिकारी के साथ नगर पालिका परिषद कर्मचारी और नगर वासियों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में रैली निकालकर लोगों को जागरूक भी किया। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कई लोगों ने रक्तदान किया। वहीं इसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी के चेयरमैन सोनू विश्वास ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर विराट रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। रक्तदान महादान होता है, जरूरतमंदों को खून की आवश्यकता होती है, जिसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी हमेशा तत्पर रहती है। उत्तराखंड में बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में बुखार के मरीज पहुंच रहे हैं। मरीजों में बुखार के साथ डेंगू के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। जिला अस्पताल लगातार सीनियर फिजिशियन डॉक्टर NS बिश का कहना है कि अस्पताल आने वाला हर दूसरा व्यक्ति बुखार से पीड़ित है। 10 में से 9 मरीज डेंगू के लक्षणों वाले बुखार से पीड़ित हैं, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जांच कराने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव आ रही है। यानी मरीजों में डेंगू पॉजिटिव दर काफी कम है, जबकि डेंगू के लक्षण बहुत ज्यादा है। प्रदेश भर में डेंगू बीमारी के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह रावत ने कहा है कि विभाग की तरफ से पूरी व्यवस्था इस बीमारी से निपटने के लिए की गई है।
देखिए डेंगू से बचाव के लिए तो बातें सरकार समय समय पर बताती रहती है कि मानसून थोड़ा एक्सटेंडेड हुआ है, बारिश का पानी एक्चुअली जो डेंगू का मच्छर है जिससे डेंगू फैलता है, डेंगू वायरस को जो मच्छर फैलाता है वो अब अर्बनाइज्ड हो गया है, यानी कि उसने लोगों के घरों के आसपास रहना सीख लिया है जहां पर खुले कंटेनर्स होते हैं, यानी कि एक चम्मच भी अगर आपके आंगन में खाली पड़ा है तो एक चम्मच में भी वो अंडे दे सकता है उसमें जमा पानी में, और उसके बाद उससे जो उसकी तीन स्टेजेज है उसके बाद एडल्ट मॉस्किटो बन के वो वयस्क मॉस्किटो आपको काट सकता है, यानी कि डेंगू का के मरीज को काट के वो कई लोगों को फैला सकता है। कहना ना होगा कि बचाव जो है इसका सबसे बड़ा उपाय। लगातार हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। खेतों में काटे रखी गई तैयार धान और दलहन की फसलें के बर्बाद होने की आशंका से काश्तकार चिंतित हैं। इंदौर क्षेत्र में गांव में धान समेत कई मोटे अनाज की फसलों की कटाई मनाई का काम चल रहा है, लेकिन मौसम की बेरुखी ने काश्तकारों को परेशानी में डाल दिया है। तो थराली की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है जिसकी वजह से जनजीवन तो अस्त व्यस्त हो ही रहा है, साथ ही साथ जो काश्तकार हैं जो खेती कर रहे हैं उन किसानों को भी काफ़ी मौसम की मार का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कई तैयार फसलें हैं चाहे वो धान की हो दलहन की हो वो कहीं ना कहीं बर्बाद होने के कगार पर हैं। इन दोनों क्षेत्र के गाँव में धान समेत कई मोटे अनाज की फसलों की कटाई भी हो रही है, मढ़ाई का भी काम चल रहा है, लेकिन मौसम के बेरुखों ने काश्तकारों को परेशानी में डाल दिया। बारिश की वजह से खेतों में मढ़ाई के लिए रखे गए धान के ढेर सड़ने के कगार पर आ गए हैं। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वाली इंडिया के साथ।